मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामना। आज मैं बनाने जा रही हूँ ढाबा स्टाइल पनीर की सब्जी। पनीर की सब्जी बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है वह मैं बताती हूँ। मैंने 300 ग्राम पनीर लिए हैं, दो बड़े बड़े प्याज, दो बड़े टमाटर, एक कटोरी मटर, चार हरी मिर्च काट लिए हमने, अदरक लहसुन को कस लिए हैं, दो चम्मच बेसन लिए हैं। इस बेसन को मैं पहले भून धीमे आँच में भून लूँगी, उससे ग्रेवी बहुत अच्छे बनते हैं। ये मैंने मलाई लिए हैं एक कटोरी और 10-12 काजू के दाने। स्वाद अनुसार हमें नमक डालना है और दो चार दाने चीनी के लिए। ये मैं बताऊँगी कैसे इसको इस्तेमाल करना है। ये गार्निश के लिए हरा धनिया, ये बघार के लिए हमें जीरा चाहिए, तेज़पत्ता, लौंग और दो छोटी इलायची और दो लौंग। ये दो चम्मच धनिया लिए हैं, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच मिर्चा, एक चम्मच पनीर मसाला और एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। अब हमें पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। ज़्यादा छोटा नहीं काटना है, ज़्यादा ऐसे साइज काटने में देखने में भी पनीर के टुकड़े सब्जियों में इतने बड़े साइज काटने में अच्छे लगते हैं। इस तरह से मैं सारे पनीर को इतने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लूँगी। देखिए दोस्तों, पनीर को हमने इस तरह से काट लिया है। अब इसमें हल्का सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, और हल्दी, छीटकर हमें इसे मिला के थोड़ी 10 मिनट तक छोड़ देना है। इस तरह से मिला के 10 मिनट तक रख देंगे। चलिए अब मैं बताती हूँ अब आगे क्या करना है। देखिए दोस्तों, मैं धीमे आंच में पहले बेसन को हमें भून लेना है। हाथ बिल्कुल धीमा रहना चाहिए। मैं इसे थोड़ी देर तक भून के और किसी बर्तन में निकाल लूंगी। हाँ, तेज करके बिल्कुल नहीं भूनना है। देखिए दोस्तों, मेरे बेसन भून गए हैं और मैं इसे किसी बर्तन में निकाल लूंगी। देखिए दोस्तों, मैंने इसे किसी बर्तन में निकाल लिया है। अब आगे क्या करना मैं बताती हूँ। देखिए दोस्तों, पहले मैंने मटर को क्या करना मैं बता रही हूँ। पहले मटर को कढ़ाई में डाल देंगे, हल्का सा तेल डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, दो चार दाना चीनी डालेंगे, हल्का नमक डालेंगे बिल्कुल। चीनी इसलिए डालते हैं कि मटर का कलर ग्रीन ही रहेगा, जो सब्जी में, पनीर की सब्जी में देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। अब इसे ढक देंगे। धीमे आंच करके अच्छे से गलने को रख देंगे। सबसे पहले हमें कढ़ाई में तेल डालना है और देसी घी डालना है। आप चाहे तो तेल से भी भून सकते हैं पनीर को। पनीर को हमें भून लेना है।
आप जिस तेल से खाते हैं आप उस तेल से ही बना सकते हैं। धीमे धीमे आप में इसे भून लेना है। फ्लेम को मीडियम पे रखना है। हल्का सा सुनहरा होने तक भूनना है। देखिए हमारे पनीर भून गया है। अब मैं इस पतीले में पानी गर्म करी हूँ, इसी में निकाल के गर्म पानी में हमें डाल देना है। गर्म पानी में डालने से पनीर कड़े कड़े से नहीं होंगे, मुलायम रहेंगे। अब इसी तेल में हम बघार डालेंगे। इसमें हम और तेल डालेंगे, ये बचे हुए देसी घी इसी में डाल देंगे, ऐड कर देंगे। हम जीरा डालेंगे। तेज पत्ता डालेंगे, दालचीनी के टुकड़े को डालेंगे, इलायची को हम बीच से थोड़ा सा फोड़ देंगे। इसमें दो हम खड़ा मिर्चा भी तोड़ के डालते हैं, जिससे कलर अच्छा आता है सब्जियों में। अब हम कसे हुए प्याज को डाल के अच्छी तरह से सुनहरा लाल तक भून लेंगे। मैं प्याज को भून तब तक तो देखिए हमारे मटर कितने अच्छे गल गए हैं, भून गए हैं। कलर देखिए बिल्कुल ग्रीन है। अब इसे बंद कर देंगे, गैस को ऑफ कर देंगे। देखिए मेरे मटर कितने अच्छे भुन गए हैं, पक गए हैं। अब इसमें अदरक डालेंगे, लहसुन डालेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे। थोड़ी देर तक भून लेंगे मध्यम आंच में। प्याज को ज़्यादा लाल करना नहीं है, थोड़ी देर और भूनेंगे 5 मिनट तक।
प्याज को पकने के लिए इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे हम। प्याज का कलर आने के लिए 2-4 दाने चीनी के डालेंगे। ये हमारे प्याज कितने अच्छे से भून रहे हैं। इन्हें हमें बराबर तल के चलाते हुए भूनना है। देखिए मेरे प्याज कितने अच्छे भून गए। अब इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। सारे मसाले ऐड करना है। टमाटर और प्याज को अच्छे से हमें गला लेना है, इससे ग्रेवी अच्छी बनेगी। ये मैंने जो बेसन गूंद के रखे थे वो अब इसमें ऐड कर देना है। काजू के जो 10-12 दाने थे उसे मैंने पीस लिया, उसे ऐड कर देना है। ये मलाई है उसे भी ऐड कर देना है। अच्छे से मिला देना है। मिलाते हुए थोड़ी देर इसे भी पकाना है। अब इसमें भुने हुए मटर ऐड कर देंगे। गरम पानी में जो हमने पनीर रखे थे पनीर के टुकड़े ये डाल देना है। डाल के अच्छी तरह से हल्के हाथों से मिलाना है। अब इसमें से तेज पत्ते को निकाल के हमें फेंक देना है। देखिए हमारी सब्जी के कलर कितने निखर के आए हैं। अब इसे बचे हुए पानी को इसमें ऐड कर दिए हैं। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। देखिए कितनी अच्छी सब्जी बन के तैयार हो गई है। देखिए पनीर की सब्जी कितनी अच्छी बनी है। इसे आप रोटी से भी खा सकते हैं, पूड़ी से भी खा सकते हैं और नान से भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी पनीर की सब्जी की रेसिपी अच्छी लगी तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें।